20 वाला है आ, और कौन सा वाला है? ये भी 20 है। ये 20 वाला है, ये अच्छा है, ये फटता नहीं है आ, और ये वाला, ये गाड़ी वाला, ये वाला गाड़ी का है। अच्छा है, हैंडल पे लगा के देते हो ऐसे? बढ़िया। What's going on guys, is Abhishek and welcome back to my YouTube channel। तो आज है सुबह के 10 बज रहे अभी और आज है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे है तो अलग सा माहौल है सूरत के अंदर, तो सोचा आज के दिन तो व्लॉगिंग की जानी चाहिए, तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आज। आज क्या क्या होगा पूरे दिन में मेरे साथ में सब कुछ दिखाऊंगा। और अभी मैं नेशनल फ्लैग के पास में ही हूँ तो आपको वहाँ का एक व्यू दिखाऊंगा। नेशनल फ्लैग में सुबह तो होस्टिंग हो ही चुकी थी, मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है फटाफट देखते हैं। मैं वहाँ से निकला था तो लोग सब फोटोग्राफी कर रहे थे, मैंने भी एक दो अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खिंचवा लिए। ऐसे मेरे को फ़ोटोज़ खिंचवाने अभी सीखने पड़ेंगे कि कैसे पोज देते हैं क्या है, इसमें थोड़ा आता नहीं है मेरे को, तो सब सीख रहा हूँ। मेरे साथ मेरा फ्रेंड है निरल, जिसको मैंने हॉस्पिटल से पिकअप किया था। निरल बोलो भाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। तो माहौल आज बहुत ज़ोरदार है, पूरा एक जोरदार लग रहा है। देखो पीछे नेशनल फ्लैग लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, तो अभी चलते हैं फटाफट वहाँ से निकलेंगे तो एक आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ और अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो अलग अलग चीज़ें भी दिखाएंगे। चलो बनते रहे, लास्ट तक पूरा ब्लॉग देखना, मज़ा आने वाला है। सुबह का मॉर्निंग व्यू बहुत ऑसम है। तो देखो नेशनल फ्लैग क्राउड, आप देखो यहाँ का। अब स्पॉट तो मिलते नहीं है फोटोग्राफी के लिए, तो यही एक स्पॉट है, हर बंदा मिस नहीं करना चाहता है फोटोग्राफी यहाँ पे। तो सब लगा भारत माता की, भारत माता की। नेशनल फ्लैग मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम भयहर शीतलाम। बच्चे फ्लैग लेके घूम रहे सोसाइटी में, एक आगे भी बच्चा था वो फ्लैग लेके घूम रहे थे, बड़े बड़े फ्लैग लेके घूम रहे सोसाइटी में। तो अभी सुबह हुई है मेरे, ये मेरी सोसाइटी है, यहाँ मेरा बचपन निकला है, ये सारी गलियाँ। हाय आदेश, कैसा है? कैसा है, पहचाना कि नहीं पहचाना मेरे को? नहीं है। अरे क्या हो गया, सेलिब्रिटी है क्या तू कोई? भाग गया साला मेरे व्लॉग में आने की। कल रात को मेरे को फ़ोन करता है तू, है कि मेरे को व्लॉग में ले भैया, अभी तो भाग रहा है। इधर इधर इधर, तूने कपड़े क्यों चेंज कर दिया? क्यों कपड़े क्यों चेंज कर दिया? इतने मस्त तैयार हुआ था, इसका इसका वो बता ना, रील बता ना, तेरे मोबाइल में ही ना। देखो कितना मस्त तैयार हुआ था, इसको मैं बोल रहा हूँ कि तू ये वापस पहन के आना। तू ये पहन क्या? अरे कल का वीडियो, आज का नहीं है ये, तो आज तो नहीं पहना था, कल का है। तैयारी तो एक एक दिन पहले से तैयारी चलती इसकी। पकड़, शर्मा मत, इधरा इधरा इधरा, समझ रहे? मेरे दोस्त लोगों को कुछ बोल, इधरा तेरे को लेके चलता हूँ, तो इनको थोड़ा तेरा नाम वाम बता, तू ऐसे थोड़ी होता है, तेरा नाम बता, चल। हाँ कैसे ब्लॉग करता है बता, बोल। हे गाइस, मेरा नाम आरव है, बोल बोल बोल। अरे बोल ना, एक हाथ में इसने क्या लगा रखा है, बोल। भारत माता की जय। जोर से बोल भारत माता की जय। जोर से बोल, और जोर, भारत माता की जय। और जोर से बोल, भारत माता की जय। देखा ये बच्चे लोग शर्माते नहीं, भारत माता की जय। ऐसे जोर से बोल, टोपा पहन ले, ठंड बहुत है। 26 जनवरी हो गई है लेकिन ठंड बहुत है सूरत में। वो कितनी ठंड लगती रोज है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फट के हाथ में आ गई है, ऐसी ठंड है यहाँ पर। ये मेरे सोसाइटी के बच्चे हैं जो छोटे छोटे मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी इस बार तू इस व्लॉग के अंदर है। मैंने तो आपका बहुत शेयर किया, लाइक भी करा। ओह थैंक यू, ठीक है। गाइज आ जाइए क्रिकेट खेलने। चल अभी अभी तू बॉलिंग करेगा ना, तेरी बॉलिंग दिखानी है। हाँ कहाँ है बॉल, कहाँ है? अभी अभी मैं खेलेगा बॉल।
पूरा लेना पीछे से ले। गली का सिक्सर मैं ही एक ही बॉल हुई है, एक ओ बढ़िया हो गया। चल ले भाई बैठ गया चीनू, तेरे बाबा का एक्सयूवी 500 है, ये एक्सयूवी 700 है, ये क्या कर दिया तूने, लोगों का तोड़ देगा, खराब कर देगा तू। मेरे को भी नहीं मालूम था क्या था, ऐसे किया ना तो ऐसे बाहर आ गया। वो चाबी है इधर, तो कहाँ है? अंदर। अरे चाबी है इसमें तो। बता बता क्या देखना है। देखो ये ऑनर आ गए अभी गाड़ी के, इसके बाबा का एक्सयूवी 500 है, ये एक्सयूवी 700 देख के छुप के मैं बोला क्या कर रहा है कब से। वाओ चलो तो गाड़ी का टूर करा दे अभी आपको। संदूक देखो ये अंदर चले जाओ, अंदर जाओ जाओ, ऊपर से वो सनरूफ खुलेगा, जा जा, डर लगता है इन लोगों को। तो जा, छोटे बच्चे लोगों को क्या चाहिए ऐसे सब चीजें चाहिए देखने के लिए। XUV 700 नया मॉडल आया सोसाइटी के अंदर, तो बच्चे लोग सब देख रहे थे। कैसी लगी गाड़ी? तो कब ले रहे हो गाड़ी? नहीं ले रहे क्या गाड़ी, कब ले रहा है? अरे हल्की मत खोल रहे, निकल अभी तेरे को खोल देंगे गाड़ी। चीज क्या है इधर, जहाँ पे भी दिखे खोल रहे हैं, लगता है वो बटन दबाया ना अपन, तो अंकल को मालूम पड़ गया कि किसी ने गाड़ी का बटन दबा दिया, तो तुरंत आ गए ना, है ना चिनू? चिनू कैसा लगा ऊपर से निकल के बाहर? है वो तो लोग इधर बता ना कैमरे में किसी के, यूट्यूब वीडियो है चालू है। हाय 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 गाइस, देखो आज फ्लैग के प्राइस आपको बताता हूँ मैं। ये देखो ये छोटा फ्लैग, ये कितने का भैया? ये छोटा वाला 10 वाला, 10 वाला और ये वाला 20 वाला है, और कौन सा वाला है? ये भी 20 है, ये 20 वाला है, ये अच्छा है, ये फटता नहीं है। और ये वाला, ये गाड़ी वाला, ये वाला गाड़ी का है। अच्छा है, हैंडल पे लगा के देते हो ऐसा, बढ़िया। और देखो सब स्टिकर्स वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं आज, मस्त है। कितने दिन से लगा रहे हो आप? आज तो पहले दिन, पहला ही दिन है। बराबर बराबर, दो तीन दिन पहले से लगा लेने का क्या? टाइम नहीं मिला है ना। तो रेगुलर क्या बेचते हो इसके ऊपर? रेगुलर कटलरी का सामान। कटलरी का सामान, बढ़िया बढ़िया। ये अपना दोस्त है सिद्धार्थ, और इसको हो गए थे डेंड्रफ, तो इसने डिसीजन लिया कि बाल सारे छोटे करा देने, तो ये इनका स्पेशल जगह है जहाँ पर बाल कटवाता है। एक बार मैंने भी यहाँ पर कटवाए थे, पर उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ का एक ब्लॉग बनाऊँगा जब मैं भी यहाँ से एक बार बाल कटाऊँगा। वैसे ये अंकल पहचान वाले सिद्धार्थ के, इसीलिए सिद्धार्थ यहाँ से हमेशा बाल कटवाता है ना। और हाथ सेट है एकदम, इसको पूरा टकला कर दो, सही में पूरा टकला कर दो इसको। वैसे भी इसके ज़िंदगी में कोई है नहीं, तो क्या किसको दिखाएगा तू? ये अपने पास पहनने के लिए टोपी भी नहीं। तू बिना टोपी के भी अच्छा लगेगा ना भाई, ना सही में। तुझे किसको दिखाना है पर, जनता को। देखो ये क्या तामझाम मस्त एकदम पोर्टेबल सेटअप, मतलब जोरदार। सीधा तेरा मुँह दिखा, देखो गाइस ये 50 रुपये की शेविंग और हेयर कट दोनों है, तो ये ऑफ़र मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो अब अगली बार मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा अपने बाल और बियर्ड में। देखो कितने जोरदार बाल कटे इसके, रोड पे से कटवाया इसने 50 रुपये में विथ हेयर कट एंड दिस बियर्ड, तो ये एक बहुत फ़ायदे का सौदा है। तो अगली बार यहाँ पे एक बार मेरे को ट्राई करना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रिबाउंस के अंदर, और अभी अंदर जाएंगे आपको दिखाता हूँ रिबाउंस कैसा है। मैंने बहुत सारी स्टोरीज डाली थी, अभी मैं रिबाउंस के अंदर आ गया। देखो ये सब, ये अंदर जाता हूँ उनको, ये टर्फ टर्फ, ये बाहर टर्फ है और अंदर ट्रैम्पोलिन है, तो ट्रैम्पोलिन पहले जाएंगे पीछे वाले रास्ते से। अगर मैं अंदर आ चुका हूँ, ये देखो ये पीछे बाउंस है, और ये यहाँ पे मैं कैलिस्थेनिक कर रहा था, तो
तो अभी अंदर मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा कुछ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। तो फटाफट जाता हूँ आपको, लास्ट मैंने एक अनलॉक किया था एक मूव, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर बाहर जाके आप इस ब्लॉग का एंड करेंगे, तो थोड़ा एंजॉय करो। आज का फुल डे व्लॉगिंग थोड़ा सा मेरे हाथ से निकल गया था, लेकिन कर दिया कवर। लेकिन ये जो कहते हैं ना 24 आवर्स व्लॉगिंग करना, थोड़ा टफ होता है, इजी तो नहीं होता है, समझ में आ गया, क्योंकि पूरे दिन व्लॉग करना पड़ता है। 24 घंटे मतलब एक कैप्शन में होता है, 24 घंटे को इंसान व्लॉग नहीं करता है, बट एक थ्रू आउट द डे करता है, ठीक है। तो टफ रहता है, लोगों को बताना पड़ता है कि भाई वीडियोज़ क्यों ले रहा हूँ, पूछते तो वीडियो क्यों ले रहा है, तो बताना पड़ता है कि हाँ मैं व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, इसलिए यूट्यूब के लिए वीडियो ले रहा हूँ, तब जाके वो लोग कन्विंस होते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी कोई इंसान बोल देता है कि मेरा वीडियो डिलीट करो, तो करना भी पड़ता है, बट आपका भाई रुकेगा नहीं। बस आपको एक ही काम करना है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, तो मैं रुकेगा नहीं, ठीक है, और झुकेगा नहीं। मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ, चलो बाय, टाटा।